ओके सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात डिस्कस करी थी एंड इट बिलोंग्स टू दी आयनाइजेशन एनर्जी। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस। तो जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हम रिवीजन कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं कल की बात का, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके सो इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वी कैन सी दैट के आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एंड गैस के स्टेट में ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ताकि वो गैशियस पॉजिटिव आयन ही आपके पास बनाए। तो मैंने आपसे बताया था बेटा कि हम आयनाइजेशन एनर्जी बहुत सारी करवा सकते हैं। हम किसी भी एक एटम के शेल से सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करा सकते हैं, लेकिन पीरियोडिकली वन बाय वन। वी कांट डू ऑल दी आयनाइजेशन एट अ टाइम। हम हमेशा इसको पीरियोडिकली करेंगे, मतलब पहले फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ओके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम जो है विदाउट डूइंग द फर्स्ट आयनाइजेशन हम लोग सेकेंड कर लें, या सेकेंड किए बगैर हम लोग थर्ड कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही? तो इसके लिए आप हम लोगों ने कल ये डेफिनेशन पर स्टडी किया था और इसकी एग्जाम्पल करी थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन एलिमेंट एक्स एंड व्हेन इट इज इन द सॉलिड स्टेट तो इट कांट परफॉर्म दी आयनाइजेशन। पहले हमें इसको लिक्विड से गैस में करा, देन फिर हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया वन बाय वन। ओके दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद नीचे आपके पास है बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड दी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम अगेन। ओके तो लिथियम की थर्ड से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि लिथियम के पास इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इट कंटेन्स ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा यहाँ तक बात सबको क्लियर थी इंशाल्लाह। अब बेटा इसके बाद हमारे पास वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू राइट अ इक्वेजन अब यहाँ और द आंसर इन योर पेपर, तो बेटा पेपर में एग्जामिनर आपसे इससे थ्योरी के क्वेश्चन करेगा एंड योर थ्योरी इंक्लूड दीज फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स आपकी थ्योरी में इंक्लूड नहीं होते तो यू माइट नॉट गेट द फुल मार्क्स एज वेल। ओके तो हमारे पास बेटा 3 फैक्टर्स हैं जिन 3 फैक्टर्स पे ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले एक फैक्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि आपके पास है चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। बेटा वी ऑल नो दैट के न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं होती, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द चार्ज। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमने चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस तो इसके लिए जो सबसे पहली स्टेटमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होगी कि द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज greater the nuclear charge, the higher the ionization energy.
ये इसका रिलेशन, और इट मेक सेंस। कैसे बेटा? हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड एंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर शेल, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास। तो हर इलेक्ट्रॉन हर हर न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ, ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो एक एटम के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट द एटम, कितने प्रोटॉन्स होते हैं? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? अब देखें क्यों आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आप देखें, आवाज क्लियर हुई तो मैं आगे चलूं। ये अभी भी इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, हो गई है तो नाउ इट्स यस, नाउ इट्स क्लियर। ओके ओके, तो बेटा मैं आपसे कह रहा था कि इट मेक सेंस कि बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जितना आपके पास न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, उतने ही आपके पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते चले जाएगी। और जितना बेटा न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, इट मींस दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है टू रिमूव अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला आपके पास जो है वो फैक्टर है which is directly proportional to the ionization energy, okay? इसके बाद the second thing है बेटा आपके पास distance between nucleus and outer electron. Distance is between nucleus and outer electrons, या फिर size of atoms. तो बेटा ये वाला जो आपका factor है, it is also depend on the charge on the nucleus, ना? क्योंकि हमें पता है कि जितना आपके पास nucleus की charge increase होगी, तो forces of attraction between nucleus and electrons are increasing. तो मुझे बताइएगा, अगर force of attraction nucleus और electrons के दरमियान increase होती है, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जी बेटा बताइएगा।
क्वेश्चन समझ में आया? देखो समझते हैं पहले इस बात को। देखो बेटा, आपके पास है एक एलिमेंट सोडियम और एक और एलिमेंट है आपके पास इसी के साथ मैग्नीशियम। ओके, सोडियम हैविंग अ प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम हैविंग अ प्रोटॉन नंबर 12। सोडियम के बेटा फर्स्ट शेल में आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बेटा ज़रा गौर से बात पे देखिएगा कि ये जो सोडियम का न्यूक्लियस है वो इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियस की जो चार्ज है वो ज़्यादा है, 12 प्रोटॉन्स है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कितने बेटा 12 है। तो मुझे बताइएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस सोडियम में ज्यादा है या मैग्नीशियम में? हाँ बेटा बताओ, मैग्नीशियम में ज्यादा है, बिल्कुल। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम में ज्यादा है मतलब मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे बताएं सोडियम का साइज बड़ा होगा पूरा टोटल या मैग्नीशियम का? देखो जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं तो आपके पास साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है आपके पास, ठीक है ना। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है मैग्नीशियम में, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारे पास, समझ लो। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, तो बेटा क्योंकि सोडियम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कम है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम रिक्वायर्ड है, जबकि मैग्नीशियम के अंदर आपको आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू सोडियम ज्यादा रिक्वायर्ड। तो इट मीन्स दैट कि बेटा जितना आपका आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने मैग्नीशियम के पास ये 12 प्रोटॉन्स थे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल चुका हूँ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लेट्स सपोज, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब हैं, तो दे आर हाईली अट्रैक्टेड बाय दी प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब अगर मैं इस भी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूंगा तो आपके ख्याल में मुझे बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करके इसको बाहर निकाल दे। बेटा क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है ये वाली बात? बहुत ही सेंसिबल बात है ये हमारे पास कि जितना इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा लग रही होंगी। तो अब अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहूंगा तो मुझे एक हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल, ठीक है बेटा। बाकी स्टूडेंट्स बताएं बेटा, अदीन, अबीहा, मुनज्जा बेटा, उमर, यस चलो गुड है। तो इसका रिलेशन आपके पास क्या बन रहा है, इसका पॉइंट क्या बन रहा है? द पॉइंट इज दैट द ग्रेटर द
चार्ज, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर द डिस्टेंस, न्यूक्लियर चार्ज का हो गया था ना, द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, द लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इट मीन्स दैट के डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट ऑल्सो मेक सेंस कि जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस तो उसको कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, वो हल्की सी एनर्जी में भी अपने शेल से रिमूव हो सकता है. ठीक है, अब बेटा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट देखिएगा, विच इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, पहले इस शील्डिंग इफेक्ट को हम समझ लेते हैं, ये क्या चीज है. देखो अगर हम बात करते हैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ये फर्स्ट शेल आ गया, सेकंड शेल, थर्ड शेल आ गया. ठीक, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब समझना बात क्या कह रहा हूं. देखो बेटा आपके पास ये तो न्यूक्लियस है, सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस आ गया. ठीक है, अब एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दो काम हो रहे होते हैं, वो दो काम क्या होंगे बेटा कि एक तो आपके पास जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्जेस पर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इधर इधर इस तरह से ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है. सही, तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक साथ दो चीजें हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर में दो चीजें हो रही हैं कि एक तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है, और यहाँ पर एक और काम भी ये हो रहा है कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो उसके ऊपर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है. क्योंकि देखो आपके पास इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जो भी आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा चार्ज क्या होती है बेटा आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. देखो समझना मेरी बात को, ये जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है या ये जो है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन जो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूर कर रहे हैं. ठीक है, ये जो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन जो इसके ऊपर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ये उसको पीछे कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ड्यू टू द रिपल्शन. सही है, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी चल रही होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस
और फोर्सेस ऑफ रिपल्जन भी चल रही होती है। जो आगे वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है, जो इस शेल का, जो ये वाले शेल का अगर इलेक्ट्रॉन है, ये जो फर्स्ट शेल है ठीक है, वो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, वो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। देखो इसकी डेफिनेशन से समझना, शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्ट कर रहे हैं एज अ शील्ड, मतलब ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लेस अट्रैक्टिव होगा। तो मुझे इसको रिमूव करवाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी बेटा, कम चाहिए होगी। सही है, देखो शील्ड का मतलब कि देख न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके फिर से बताता हूँ। देखो सपोज करो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसा शील्ड काम कर रहा है और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी ऐसा शील्ड काम कर रहे हैं ठीक है। ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर जाने के लिए रोक रहे हैं हमारे पास ठीक है, और एक तो इसकी अट्रैक्शन भी रोक रहे हैं और दूसरा उसको और रिपेल कर रहे हैं रिपल्जन की वजह से, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास ठीक है। तो बेटा आपके ख्याल में ये शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल के आगे जितने ज्यादा कंप्लीट शेल्स होंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, कि जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, और जब वो न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी ठीक है। तो इट कैन बी वेरी इजी टू रिमूव दैट आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखें, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्या बात समझ आती है। के बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल हम ये कहते हैं कि द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, the greater the shielding effect the lower the ionization energy ठीक है। जितना आउटर इलेक्ट्रॉन्स के आगे शेल बढ़ते चले जाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम लग रही है, सो इट इज इजी टू रिमूव। बेटा इस बात को अगर कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं इस बात का इन तीनों फैक्टर्स को लेकर, अब ये तीनों फैक्टर और मजीद समझ में आएंगे जब हम लोग इसको ग्रुप्स में देखेंगे या फिर पीरियड्स में देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपको ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है बेटा कि इफ आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है, देखिएगा देखो तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है। और अगर आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपके पास इस केस के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी। देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स करीब आ गए, डिस्टेंस कम हो गया, जब डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई एज कम्पेयर टू रिपल्जन ना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का मैंने कहा ये कम हो गया, तो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास कम हो जाएगी। तो बेटा पहला कॉन्क्लूजन ये आ गया, दूसरा कॉन्क्लूजन क्या होगा कि इफ आपके पास न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ हुआ है, तो टोटल जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगली बात समझ में,
बेटा क्या ये तीन फैक्टर्स आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर, हाँ बेटा सर बोलो। जब डिस्टेंस कम होगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपल्स नहीं करेंगे। नहीं बेटा, डिस्टेंस कम होने का मतलब है आपके पास कि आपका जो शेल का साइज है वो छोटा हो गया, सही है? और जब शेल का साइज छोटा हो जाएगा तो उसमें कंडीशन ये होती है हमारे पास कि इट माइट बी पॉसिबल कि शेल पूरा खत्म हो जाए। देखो, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन के आगे कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद है उस पर, सही है? तो अभी आप इस पर और इसको इस बात को एलेबरेट करेंगे, लेकिन बाकी के फैक्टर्स में मुझे बताओ, समझ आया या नहीं? जी आ गया। बाकी सब भी कंफर्म करिएगा तो फिर आगे चलते हैं। जी सर आ गया। ओके, अब इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए देखो, अब ये और आपको क्लियर होंगे कि जब मैं इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए इनके ट्रेंड्स पढ़ूंगा अक्रॉस द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, ठीक है? तो फिर ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पैटर्न ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, पैटर्न ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, याद। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, सही? अब पहले सुन लेना, फिर बाकी बात करेंगे। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं ग्रुप नंबर वन में, और ग्रुप नंबर वन का सबसे पहला मेंबर है आपके पास लिथियम, फिर है आपके पास सोडियम एंड देन फिर पोटेशियम। इसी तरीके से हम आगे जा रहे हैं। लिथियम हैविंग थ्री प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 19 प्रोटॉन्स। अब अगर इनके शेल्स की बात करें तो लिथियम के पास दो शेल्स हैं, टू और वन। सोडियम के पास कितने शेल्स हैं? तीन शेल्स हैं, पूरा पूरा नहीं बना रहा शेल, पोटेशियम यार। तो अब मुझे बताओ, मैं जब टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आता हूँ, क्योंकि मेरा पीरियड नंबर चेंज हो रहा है ना, टॉप टू बॉटम में जो ग्रुप में आते हैं तो पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, और पीरियड नंबर चेंज होने की वजह से इन सब में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वो एक नए शेल में आ रहा है। मतलब लिथियम के अंदर दो शेल्स हैं, सोडियम के अंदर तीन शेल्स हैं और पोटेशियम के अंदर चार शेल्स हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, अगर मैं इन सब में से आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, मतलब पहले मैं इसको निकालना चाहता हूँ, इसको, इस वाले को, तो बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल जाएगा और किस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी? लिथियम में, सोडियम में या पोटेशियम, इन तीनों के मैं अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करना चाहता हूँ, तो कहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पर लिथियम, सबसे कम चाहिए? लिथियम में सबसे कम लगेगी। अच्छा, जस्टिफाई करो अपने आंसर को, ऐसा क्यों होगा?
सर क्योंकि पहले तो ये एलडीई मेटल्स है और इसमें जो है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। दूसरी बात ये है कि कैसे डिस्टेंस इनका कम हो रहा है और इसका जो प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कम है तो उसका अट्रैक्शन भी कम होगा, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। ठीक है, और कोई कुछ जवाब देना चाहता है? महीन आप कह रही है सोडियम, तो क्यों सोडियम? बेटा देखो बात, क्वेश्चन को समझो और प्रैक्टिकली इन सब चीजों को देखो। मैं इन तीनों के अंदर से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता हूँ। अपने फैक्टर्स पे ध्यान दो, जो तीन फैक्टर्स थे, ठीक है? इनमें डिस्टेंस को देखो, इसमें शील्डिंग इफेक्ट को देखो, ठीक है? क्या डिफरेंस आ रहा है टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में? अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को करना चाहते हो, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, तो सबसे लेस आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ चाहिए? लिथियम में, सोडियम में या पोटेशियम? हाँ बेटा, बाकी बच्चे भी जवाब दें, शाबाश। बिल्कुल सही, तुमने ही सही बताया है। उमर तुम बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा तो लिथियम में वो लगेगी क्योंकि बिकॉज लिथियम रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो लिथियम में हाँ रिएक्टिविटी बाकी हद तक कम है तो उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब उसका डिस्टेंस कम है आखिरी इलेक्ट्रॉन का, आखिरी इलेक्ट्रॉन का उसका। और आपने जो इजीएस्ट का बोला था वो इजीएस्ट तो पोटेशियम की निकल जाएगी क्योंकि पोटेशियम का बिल्कुल बिल्कुल, पसी ने भी यही बोला, तुम भी सही कह रहे हो। अब देखो बच्चों, आप लोग भी मेरी बात सुनो। देखो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है? सुनना मेरी बात, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इन सब के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना? तो इन सब के ऊपर जो है वो हर इलेक्ट्रॉन पर एक एक प्रोटॉन पर चार्ज लगा रहा है। अब देखना आप लोग कैसे देखोगे, मेरी बात को समझना। मैं इस आउटर शेल को इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहा था, इसको और इसको, ठीक है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। अब इधर जो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो इक्वल है क्योंकि हमने एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर को अभी थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे। बेटा कॉमन सेंस की अगर मैं बात करता हूँ कि इन तीनों के अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कहाँ लग रही है? देखो जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो आपका डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो बढ़ा है ना डिस्टेंस। तो जब इनका टॉप टू बॉटम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, ठीक है? और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास डिक्रीज हो जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। देखो दाऊद, तुमने मुझसे एक बात कही थी कि ये अल्कली मेटल्स हैं और टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी मींस कि हाउ इजीली द आउटर इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है? तो टॉप टू बॉटम जब मैं आ रहा हूँ, अच्छा एक और चीज देखना बेटा, टॉप टू बॉटम जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग बाय
इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या हो रहा है बेटा आपके पास इंक्रीज हो रहा है। देखो लिथियम के केस में, हाँ लिथियम के केस में आपके पास एक इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहा है आउटर शेल को, सही है। जबकि सोडियम के केस में दो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिपल्जन बढ़ गई, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है। पोटेशियम के केस में तीन इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट को, जितना आपके आगे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट आपका होता चला जाएगा। तो बेटा टॉप टू बॉटम आप जब भी किसी भी ग्रुप में आओगे, ये ट्रेंड एग्जामिनर आपसे बार बार पूछेगा कि जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप वन में आते हो, ग्रुप टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, आप किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हो तो आप आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। वो बोलेगा भाई क्यों डिक्रीज होती है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। तो आप बोलोगे भाई एज वी गो डाउन द ग्रुप the distance between the nucleus and outer electrons increases, distance बढ़ गया। जब distance बढ़ गया मतलब आपके atom का जो size है वो increase हो गया, ठीक है, आपके atom का size increase हो गया। जब atom का size increase हो गया तो forces of attraction कम हो गई, shielding effect आपके पास जो है वो increase हो गया, ionization energy आपकी जब भी decrease हो रही है, सही है बेटा। ये सब common और सिंपल फैक्ट्स की बात है जो आपको समझनी है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो बेटा जो जो बच्चे जिसने गलत जवाब दिया था, फसी तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया था और उमर तुमने भी सही जवाब दिया था, बाकी स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया था तो उनको ये बात समझ आई या नहीं? दो हेड्स आए अभिषेक, बस सबके जवाब चाहिए बेटा। दाऊद, माहीन आप लोगों ने बोल दिया, बाकी बच्चे फसी और उमर को तो क्लियर है, इनको भी क्लियर है, मिर्जा क्लियर है, और कौन है, अदीन, अम्मार, ओके गुड है। एक मिनट रुको, चले जबरदस्त हो गया। तो अब बेटा इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं कि जो हमने चीजें लिखी हैं कि भाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। We talk about the first ionization energy. अभी हम सिर्फ पहली ionization energy की बात कर रहे हैं कि जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उसके आउटर शेल से, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, decreases down a group. क्यों? As atomic size increases, atomic size जो है वो आपका बढ़ रहा है, hence the distance between nucleus and outer electron increases, shielding effect also increases, ठीक है। और जब आपके पास डिस्टेंस बढ़ जाए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए, तो जो पहला इफेक्ट था ना न्यूक्लियर चार्ज का, तो फिर हम उसको ज्यादा नहीं सोचेंगे, विच इज न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बेटा
whenever the distance is increasing, देखो कॉमन सेंस की बात है, जब भी किसी भी एटम में डिस्टेंस बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना ही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है, और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो योर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है. तो बेटा आप लोग इसको कॉपी करें या फिर पिक्चर्स ले लें, मैं टॉप टॉप से लेकर आ रहा हूँ. आज से जो हमने बात शुरू करी है, तो आप सब इसकी पिक्चर्स लेकर इस काम को जरूर कॉपी कर लीजिएगा. बाकी रिकॉर्डिंग्स भी पेज पे लग जाती हैं, तो आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो. आज हमने बात शुरू करी है यहाँ से, ठीक है. तो ये अब इसकी पिक्चर ले लो. कहा गई चीज, फिर एक एक आपके पास ये आ गया. And then the pattern of ionization energy. Yeah, yeah. And the last one. Yes. So down the group examiner, जब भी आपसे इसमें क्वेश्चन करेगा, जब हम इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हम लोग किस कितना टेक्निकली इन सब चीजों को पढ़ते हुए आए हैं, और कैसे हमें हमारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमें नंबर्स मिल रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है. ठीक है, आगे चलूं. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अब ये हमने डाउन द ग्रुप बात कर ली, अब हम लोग इसका दूसरा पैटर्न पर देखते हैं, विच इज अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड बेटा, अक्रॉस द पीरियड में एक पीरियड यहां पर लिखूंगा मैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन, ये सब अपनी एटॉमिक स्टेट में हमारे पास हैं. तो सेम पीरियड में प्रोटॉन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. दिस इज बेसिकली द पीरियड 3. मैंने ये पीरियड 3 लिखा है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है. और लेफ्ट टू राइट इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. अच्छा, इन सब की
अब क्योंकि ये तीनों सारे जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियड थ्री पर ही डिपेंड कर रहे हैं तीनों, लेफ्ट टू राइट, तो मुझे आप बताइएगा कि इन सब के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं? थ्री, सही। इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट है, तो जरा सोच के बताएं, जब नंबर ऑफ शेल्स की क्वांटिटी इन सब में कांस्टेंट है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कांस्टेंट हो चुका है उन तीन फैक्टर्स में से? न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस या शील्डिंग इफेक्ट? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करता है? शाबाश माइन पसीन, न्यूक्लियर चार्ज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना बेटा, तुम देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं एक पीरियड में आ रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स पर कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, देखो सही है। अब देखो सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, एल्युमिनियम के आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन के चार इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस कंटेन्स फाइव इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर कंटेन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन कंटेन्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स एंड आर्गन कंटेन्स एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आपके पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर शेल्स हैं वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो जब इनर शेल्स कांस्टेंट हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया बेटा आपके पास? शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट। तो ये एक फैक्टर तो यहां पर हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट मुझे बताओ, न्यूक्लियर चार्ज जो है इसकी वो इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, देखो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एल्युमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन्स हो गए और 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन सब के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है आपके पास? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है बेटा आपके पास? इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है आपके पास बेटा? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, सही है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जब शील्डिंग कॉन्स्टेंट हो गया, देखो सबसे मेजर इफेक्ट शील्डिंग का बड़ा ना, जब शील्डिंग कॉन्स्टेंट हो गया, सही है, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा आपके पास, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल। अरे बात समझ में, ठीक है, क्या सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, बेहतरीन। तो बेटा अभी हम इस क्लास को फिर यहीं तक ही रखेंगे, ठीक है। कल हम अक्रॉस द पीरियड से ही अपनी बात को शुरू करेंगे, क्योंकि इसी के इससे ही रिलेटेड आगे काम शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी पिक्चर ले लो, ऊपर की तो हम सब ने पिक्चर ले ली है, इसकी पिक्चर लो और देन फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।